मिड फॉर्मूला एक्सेल में कैसे प्रयोग होगा ये देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक पर क्लिक कर देता हूँ, और चूंकि मैं यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2019 वर्जन, तो आपके पास जो भी हो तरीका यही है लगभग। यहाँ पर नेम आएगा, लाइक मैं सिटी का नाम लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिटी। अब यहाँ पे सिटी का नाम आएगा और यहाँ पर हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने ही सिटी का नाम लिख देता हूँ, लाइक DEORIA देवरिया लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे लिख देता हूँ लखनऊ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ गोरखपुर। तो ये तीन सिटीज का नाम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और अब यहाँ पर हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि मिड फॉर्मूला। तो यहाँ पे MID देखिए, यहाँ पे मिड फॉर्मूला है। और यहाँ पर टेक्स्ट कह रहा है कि उस टेक्स्ट को जिसे आप सर्च करना चाहते हैं उसे ले लीजिए। तो यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट को ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट कहां से करना है, तो मान लीजिए पहले पोजिशन से स्टार्ट करके और तीन कैरेक्टर हमें चाहिए, तो ये मैंने दे दिया। और अब एंटर प्रेस कर दीजिए तो पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करके तीन कैरेक्टर्स यहां आ गए। और यही अगर सेम सब पे अगर नीचे ड्रैग कर देते हैं तो यही चीज सब पे अप्लाई हो जाएगी, देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अब तो ये पहले कैरेक्टर से स्टार्ट होकर तीन कैरेक्टर तक रहा, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे कैरेक्टर से स्टार्ट किया जाए तो यहां मिड फॉर्मूला लगाइए और ये जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कॉमा देना है। और अब मैं चाहता हूं कि तीसरे कैरेक्टर से स्टार्ट होकर केवल एक कैरेक्टर आए, ठीक है। तो यहां पे एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे केवल ओ आ रहा है, देख सकते हैं ये जीरो नहीं है, ये ओ है। एंटर यहां पे इसे ड्रैग कर देता हूं, ड्रैग करूंगा तो सबका एक एक कैरेक्टर आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ और क्राइटेरिया देंगे तो उसी के हिसाब से ये डिसाइड हो जाएगा। लाइक यहां पे अगर मैं देवरिया सेलेक्ट करता हूं, कॉमा देता हूं, और यहां पे पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करके -1 अगर यहां पे मैं दे देता हूं तो क्या होगा, एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पे एरर वैल्यू आ जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू, दैट मींस कि ये एरर है, ठीक है। तो आपको माइनस नहीं देना है, इज इक्वल टू मिड लगाइए, ठीक है। और मिड लगाने के बाद वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए, तीन कैरेक्टर से स्टार्ट होकर दो कैरेक्टर तक चाहिए। तो ये यहां पर अगर एंटर प्रेस करता हूं तो ओ आर आ रहा है, तीन कैरेक्टर, यानी कि यहां पे देख सकते हैं देवरिया में पहला कैरेक्टर डी, दूसरा कैरेक्टर ई और तीसरा कैरेक्टर ओ है। तो ओ और आर ये तीसरे और चौथे कैरेक्टर हैं, तो ये इस तरीके से दे देगा। और इसको अगर ड्रैग करते हैं तो नीचे इसी के हिसाब से सब आता चला जाएगा, क्योंकि एक्सेल में इनेबल फिल हैंडल की क्वालिटी होती है और इसी के चलते एक्सेल पॉपुलर हुआ था। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि इसे एक्सेल में कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।